हेलो गाइस, वेलकम बैक माय चैनल ऑल बांग्ला टेक्नोलॉजी। सो गाइस, आज मैं आपके सामने ले आया हूँ एप्सन का M2170 प्रिंटर है। इस प्रिंटर में मोबाइल कनेक्ट करके वाईफाई से प्रिंट करेंगे। इसको प्रिंट कैसे करते हैं आप लोगों को सभी दिखाऊंगी इस वीडियो को देखने के बाद दोस्तों, और दूसरे वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो दोस्तों, वीडियो में बने रहना। तो सबसे पहले अपने मोबाइल में प्ले स्टोर में जाना है दोस्तों। प्ले स्टोर में जाने के बाद आप लोग को एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है, उसका नाम है एप्सन आई प्रिंट सॉफ्टवेयर जो है, इसको आपके फ़ोन में डाउनलोड कर लेना है। हमारा फ़ोन में डाउनलोड करा हुआ है, इसलिए हम ओपन कर देते हैं, आप लोगों को दिखाते हैं। डाउनलोड कर चुके हैं हम, इसको ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद दोस्तों जो आएगा इसको एग्री करना है। एग्री जो भी आएगा, ओके, एग्री, एक्सेप्ट, जो भी आएगा सामने उसको करना है। उसके बाद कैंसिल कर देना है। उसके बाद प्रिंटर इज नॉट सिलेक्ट, उसमें सिलेक्ट करने के लिए टच करेंगे। तो पहले तो आपको वाईफाई कनेक्ट करना पड़ेगा। तो चलिए, मोबाइल का जो वाईफाई है वो उसको हम ऑन कर लेते हैं। तो दोस्तों, पहले प्रिंटर को वाईफाई से कनेक्ट करना पड़ेगा। तो दोस्तों देख सकते हैं, एप्सन का मॉडल दिखा रहा है, उसमें अभी पासवर्ड मांग रहा है। पासवर्ड के लिए हम लोगों को प्रिंटर में जाना पड़ेगा। प्रिंटर में सेटअप देख सकते हैं दोस्तों, पासवर्ड के लिए वाईफाई सेटअप में जाना पड़ेगा। उसके बाद ओके करना पड़ेगा। उसके बाद ओके का साइड वाला बटन को दबा के वाईफाई आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद ओके प्रेस करने के बाद आप लोग iOS में जाना है। उसके बाद साइड में जाके आप लोग देख सकते हैं, इसका पासवर्ड अभी आप लोगों को दिखा देंगे। साइड में नीचे देख सकते हैं दोस्तों, एप्सन का पासवर्ड दिखा रहा है। प्रिंटर में ये जो पासवर्ड है, इसको वाईफाई में डालना पड़ेगा, हमारा मोबाइल में डालना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों, हम लोग इस पासवर्ड को मोबाइल में पहले डालते हैं। तो दोस्तों, वीडियो का अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कर देना, और मेरे चैनल पे जो भी नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए नया टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो दोस्तों देख सकते हैं, हम लोग पासवर्ड मोबाइल में डाल के कनेक्ट कर दिए। तो अभी हमारा जो वाईफाई है प्रिंटर का, वो कनेक्ट हो गया है। देख सकते हैं दोस्तों, कनेक्ट हो गया है। उसके बाद हम लोगों को सॉफ्टवेयर में जाना पड़ेगा। उसके बाद प्रिंटर सिलेक्ट में टच करेंगे एक बार। आप लोग देख सकते हैं अभी M2170 सीरीज दिखा रहा है, उसमें एक बार टच करना पड़ेगा। क्लिक करने के बाद दोस्तों देख सकते हैं, अभी हमारा जो प्रिंटर है वो मोबाइल में कनेक्ट हो चुके हैं। अभी हम इसके अंदर में जो भी प्रिंट करेंगे, डॉक्यूमेंट वगैरह सब कुछ प्रिंट निकलेगा। तो दोस्तों, आप लोगों को दिखाने के लिए हम सिर्फ नोजल जो है प्रिंटर का नोजल प्रिंट आउट करेंगे। आप लोग यहाँ से कोई भी आप लोगों को PDF फाइल वगैरह है, फ़ोटो वगैरह सब कुछ निकल सकते हैं इस प्रिंटर से। तो चलिए, हम लोग इसमें नोजल चेक करेंगे, मतलब प्रिंटर का जो नोजल है उसको हम लोग प्रिंट करेंगे। आप लोग देख सकते हैं, नोजल प्रिंट करना बहुत ही ईजी है। सो दोस्तों, यहाँ पे नीचे ऑप्शन आप लोगों को दिखाई देगा, हेड क्लीन का ऑप्शन है, नोजल क्लीन, ओके। नोजल चेक में ओके करेंगे तो अभी जो है प्रिंट, हमारे प्रिंटर से प्रिंट निकलेगा। सो दोस्तों, वीडियो को अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कर देना, और मेरे चैनल पे जो भी नया है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए नया टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। सो दोस्तों, देख सकते हैं हमारा जो प्रिंटर का नोजल है वो निकल गया है। अभी यही था हमारा वाईफाई कनेक्ट। सो दोस्तों, वीडियो को अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई फुल वीडियो।